5.8% और 54.56% फीमेल, बाकल में 51% मेल एंड 50% फीमेल, बाकल जस्ट 1% अदरवाइज सब जगह मेरी जम्मू 44% मेल 52.00% दो इस तरह से देखेंगे कि महिलाएं बहुत ही बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रही हैं पूरे पंचायत चुनाव में, अभ्यर्थियों की भी संख्या उनकी ज़्यादा है और मतदान भी है उसमें भी उनकी संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। दैट वॉज वन। मतदान जो है वो मेरे ख्याल से आप लोग खुद बता सकते हैं किस तरीके से हुआ है। मतदान अत्यंत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और इसका एक है कि हमारे कंट्रोल रूम, हमारे जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे अगर आप देखें तो 10 हंटिंग लाइन्स हैं और इतने सारे लोग मॉनिटरिंग करने के लिए लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कंप्लेन मात्र 37 के करीब है पूरे दिन भर। उसमें से एक ईवीएम मशीन की खराबी की थी, वो मात्र 9 कंप्लेन थे। ईवीएम के बैटरी खराब होने के 1 कंप्लेन थे, बायोमेट्रिक के 3 जगह पे 4 जगह पे कंप्लेन थी, नील बूथ कैप्चरिंग अन्य कारण। तो इस तरीके से कहीं भी किसी तरह के कोई घटना ना घटी, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में और बहुत ही शुद्ध स्वच्छ वातावरण में चुनाव हुआ है। और जो कि मैंने बताया कि किसी भी तरह की शिकायत नहीं आई, ये एक इंडेक्स है कि कहीं भी लोगों में किसी भी तरह का असंतोष या चुनाव आयोग ने जो तैयारियाँ की थी इस बार आप सबों को पता है। और फिर भी जो हम लोगों ने कहा था कि जो बोगस वोटिंग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी, तो जो लेटेस्ट फिगर जो 3 बजे तक के हैं उसमें से करीब 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई बोगस वोटिंग करने आदि में उठाए गए थे। इसमें से गया में 2 हैं, नवादा में 1 है, औरंगाबाद में 4 हैं, अरवल में 5 हैं, मुंगेर में 9 हैं, बांका में 5 हैं और ये कुल 26 है। तो कंप्लेन और पूरी चीज़ों को देखने से ही लगता है कि चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में हुआ, लोगों की बहुत बड़ी सहभागिता रही, महिलाओं की सहभागिता इंडिकेट करता है कि अत्यंत पीसफुल माहौल में निर्वाचन हुआ है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, लोगों की भी सहभागिता मिली है, इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष ढंग से सबों को चुनाव में भाग लिया है। और पहली बार जैसा आपको हमने बताया कि जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया था वो सारे एक तरह से जितने भी हम लोगों ने निर्वाचन में इस बार जितनी तैयारियां की थी और जितने नए नए एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे सफल हो रहे हैं, उसके कारण चुनाव एक नए रूप में आ रहा है। जैसे आपको पता है ईवीएम का हम लोगों ने उपयोग किया, बायोमेट्रिक्स का हम लोगों ने उपयोग किया और फिर पूरे मॉनिटरिंग हम लोगों ने पूरी डिजिटाइज हैं, वी कैन मॉनिटर एवरीथिंग इन द सेंस दैट कि बूथ पे पोलिंग पार्टी पहुँचे नहीं पहुँचे, ईवीएम बॉक्स कलेक्टिंग पार्टी जो पीसीसीबी पार्टी है वो पहुँचे नहीं पहुँचे, कि कहाँ पे है रोड पे उन्होंने अगर कहीं पे ईवीएम खराबी हो रही है, कहीं पे किसी बूथ पे कोई घटना घटती है तो सारे अलार्म उनके पास है, सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है, वो चाहे तो कभी भी कोई अलार्म से हमें सूचित कर सकते हैं, हम लोग भी यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। तो इट वॉज कम्प्लीटली ऑनलाइन डिजिटाइज मॉनिटरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंचायत इलेक्शन एंड अदरवेज ऑल्सो। इफ यू सी जो डिजिटाइज जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, उसमें काफ़ी चीज़ों में हम लोग पहली बार कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हम लोग छोटे छोटे इशूज़ भी जैसे हैं वोटर्स के लिए, अगर बूथ भी बूथ पे अगर वोटिंग कंपार्टमेंट भी बनाया है तो वो लोगों को सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने उसी कलर कोड में बनाया है जिस कलर में उनके बैलेट पेपर ओरिजिनली होते हैं, उनके बैलेट पेपर चाहे ईवीएम में भी एक बैलेट पेपर लगता है तो उस कलर कोड में, ताकि उनको पहचानने में आसानी हो। इसके अलावा हम लोगों ने बड़े पैमाने पे अवेयरनेस जनरेशन पे किया है अबाउट द बायोमेट्रिक्स, अबाउट द ईवीएम, अबाउट द ऑनलाइन मॉनिटरिंग, अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। आप लोगों ने देखा हुआ अखबार में आए हैं
किस तरीके से जब वो जाएंगे तो बूथ पे जाएंगे तो उनको क्या क्या प्रक्रिया उनको करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप, तो ये सारी। इसके अलावा हम लोगों ने जो प्रोमो एक लोगों के लिए बनाया है वीडियो, जिसके जिसके द्वारा उनको बूथ पे क्या करना है, कैसे करना है, मतदान क्या करना है, लोगों जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में सूचना कहाँ पे दे सकते हैं, सारी चीज़ों के हम लोगों ने जानकारी दी है। इन्हें इन सेंस दैट लोगों को काफ़ी बारीकियाँ समझ में नहीं आती है, उन्हें सरलीकरण करके उन्हें बताने का प्रयास किया गया है, जिससे कि एक कोई भी व्यक्ति जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलेक्शन को नहीं समझता हो वो भी उस बातों को समझ सके। तो ये सारे चीज़ों का प्रतिफल ये हो रहा है कि लोगों में जन जागरण एक नई तरीके की आई है, और जो सही तरीके के लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, और जो गलत तरीके के लोग हैं वो उनका मनोबल टूट रहा है। और उन लोगों ये बात आप लोग भी जान रहे होंगे, आप लोगों ने कवर किया होगा, और ये सबूत है कि शिकायतें अत्यंत कम आई, मेरे ख्याल से पहली बार इतनी कम शिकायतें आई होंगी, डिस्पाइट दैट कि हम लोगों ने इतनी सारी व्यवस्था की। और वो इस कारण से कि हम लोग का अनुश्रवण जो है वो बिल्कुल टोटल बूथ तक भी, अगर आप देखना चाहेंगे तो हम लोग बूथ तक जा सकते हैं कि किस बूथ में क्या समस्या होगी, तो लास्ट जो माइल है वहाँ तक हम लोग मॉनिटर करते हैं। और ये नक्सल में कहना चाहते हैं, और सबों का हमारे को सहयोग मिला, हर जितने हमारे जो पोलिंग पर्सनल जो गए हैं जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जितने भी हमारे पूरी पोलिंग की जो टीम है, आयोग के जितने कर्मी हैं, सब लोगों ने एक टीम भावना से काम किया, उसके कारण ही ये आज जो रिजल्ट आया है। और जिला में डीएम, एसपी, हेडक्वार्टर्स में एसीएस, होम, डीजीपी, पूरे जो प्रशासन है, सारे तंत्र, हम लोगों ने सभी एक टीम के रूप में काम किया है, और वो एक रिजल्ट आज दिखाया है कि पंचायत इलेक्शन जिसे माना जाता है कि बहुत ही इंटेंस चुनाव होता है, बहुत ही ज़्यादा जिसमें हिंसा की प्रबलता रहती है, वो इतना पीसफुल एंड शांतिपूर्ण को ढंग से और बिल्कुल अच्छे माहौल में हुआ है। Though we are using the all the IT gadgets, but unless and until there is a statutory report, we don't claim it. Are you getting there now? Because election is a statutory thing. So as a result, unless and until there is a report from RO and DO in writing, we don't publicize that. We don't. मतदान खत्म हुए, एक घंटे हो गए, आप कह रहे हैं कि मेरा सारा सिस्टम जो है वो पीसफुल बेहतर काम किया है, अगर आप समझ गए तो समझेंगे हम आर्गुमेंट देना चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। अगर आप काउंटिंग भी कभी देखते होंगे तो देखते हुए लोगों को पता चल जाता है काउंटिंग का रिजल्ट क्या होगा, सब चले जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिखे। देयर आर स्टैट्यूटरी थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी फुलफिल्ड, दिस इज अ स्टैट्यूटरी। बहुत सारे जगह सर बायोमेट्रिक अभी लेके देर आर सर्वर इशू आल्सो, व्हाट टू अंडरस्टैंड सी नाउ डोंट वांट टू सी द अल्टीमेट द प्रूफ ऑफ पुटिंग इज इन मीटिंग ये कर्मी आपको अपडेट नहीं कर रहे हैं, अभी भी कर सकते हैं दीपक जी, आपके कर्मी वहाँ अपडेट कर रहे हैं, आपको भी कर सकते हैं, अपडेट फिगर मिलेगी, अपडेट फिगर चलेगी, अगर क्या आप अभी मांग सकते हैं आप ले सकते हैं। बहुत सारे जगह सर बायोमेट्रिक्स गड़बड़ है, बिना बायोमेट्रिक्स के मतदान हुए नहीं। बायोमेट्रिक्स में क्या था कि दो तरह के थे, ऑनलाइन की जो ई आधार से हम लोग को करना था, आधार वॉज नॉट मैंडेटरी, जहाँ पे लोग आधार के लिए वॉलंटियर करते थे वहाँ पे हम लोगों ने आधार कर, जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे हमने बूथ, उसकी उसके फिगर जो हम लोग आए हैं तो, लेकिन हम लोग उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं, हाउ मच कम 100% औरंगाबाद में सर झड़प भी हुई है, औरंगाबाद में झड़प भी हुई है, फाइल भी हुई है। ओके, दैट झड़प वाज विद वन ऑफ द मुखिया, दैट वाज नॉट एट द बूथ, दैट वाज आउटसाइड एंड दैट वाज टेकन केयर ऑफ।
nothing has happened over there. That's what I'm saying. There will be some element who will try to hijack the election, so you would not allow them to hijack. That is what. आप लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया है. प्रेस रिलीज में कुछ है नहीं गलत लोग.